वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दरबारी लाल का कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत किया तो दरबारी लाल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना लगाया। हमारे डिप्टी स्पीकर रहे, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर रहे, कुछ नाराजगी थी, जेन्युइन नाराजगी थी इनको पार्टी को और उन्होंने हमारी पार्टी छोड़ दी। आम आदमी पार्टी तो देखता है ना कि कौन छोड़ता है और इनको अपना कैंडिडेट उन्होंने बना लिया। फ्रॉम विच सीट वाज सेंट्रल से, सेंट्रल से आज इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं अपनी पार्टी के साथ जो पेरेंट पार्टी है उसके साथ नहीं करूँगा ऐसा। और वो अपने उनके अभी तक भी उनके आम आदमी के टिकट इनके पास है लेकिन छोड़ के कांग्रेस में आ गए। हाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि आप चुनाव लड़िए, मैं तैयार भी था, पर जब मैंने सारा स्टडी किया इधर उधर का तो मैंने ये देखा कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल वहाँ पंजाब के अंदर नकारी है। और ओवर केजरीवाल साहब आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं पंजाब के अंदर, जबकि ये सारे का सारा सिस्टम ही गलत है। कभी हरियाणा का चीफ मिनिस्टर पंजाब में आना नहीं चाहता।